बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री काजोल देवगन बिना किसी मतलब के किसी को भी नहीं डांटती, पर इन्होंने अपने से सीनियर एक्ट्रेस जया बच्चन को भरे मंच पर झाड़ दिया, जिसके बाद दोनों को हंसते हुए भी देखा गया। पर अचानक से काजोल के सिर पर ऐसा क्या भूत सवार हुआ कि इन्होंने अपनी कभी खुशी कभी गम वाली सास जया बच्चन को ऑफ स्क्रीन लोगों के बीच मंच पर डांट दिया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला, पर उससे पहले इन दोनों ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस के लिए एक लाइक जरूर कर दें। बॉलीवुड में काजोल काफी सुंदर, सुशील और संस्कारी अभिनेत्री है जो किसी से जल्दी पंगा नहीं लेती, और वहीं दूसरी तरफ जया बच्चन को भी मेन मुद्दों पर ही दूसरों से झगड़ते हुए देखा गया है। पर इन दोनों अभिनेत्रियों के बीच में प्यार भरा तकरार देखने को मिला। दरअसल हर साल की तरह काजोल और उनके पूरे परिवार ने मुंबई के जुहू इलाके में दुर्गा पूजा का आयोजन किया था। इस आयोजन में रणबीर कपूर, रानी मुखर्जी, मौनी रॉय के अलावा जया बच्चन भी शामिल होने पहुंची थी, जिन्होंने एंट्री करते ही सभी को सिर घुमाने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि मिसेज बच्चन को इस दौरान बंगाली पैटर्न वाली लाल सफेद साड़ी में देखा गया था, जिसमें वो हमेशा की तरह काफी ज्यादा रॉयल लग रही थी। हाँ, वो बात अलग है कि पारंपरिक लुक में सजी धजी जया बच्चन ने इस दौरान मास्क लगाया हुआ था, जिसे देख काजोल उन पर भड़क गई। काजोल ने न केवल मजाकिया अंदाज में बिग बी की पत्नी की डांट लगाई, बल्कि उनका मास्क उतरवा कर ही मारी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि काजोल मजाक मजाक में जया को उंगली दिखाते हुए कहती हैं, मास्क निकालना पड़ेगा चाहे जो भी हो। इस वीडियो में काजोल के एक्सप्रेशन देख जहां जया बच्चन हंसने लगती हैं, तो वहीं अब एक्ट्रेस के फैन उनकी क्यूटनेस पर दिल हारने को मजबूर बैठे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दिग्गज अदाकारा का मास्क निकलवाते समय काजोल अपने अंदाज से तो लुभाई रही थी, बल्कि उनका फैशन गेम भी एकदम ऑन पॉइंट था। वेल, इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।